गगनयान मिशन भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट मिशन इसलिए भी है क्योंकि ये भारत का होने वाला सबसे पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है। अगर ये मिशन कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो जाता है तो पहली चीज़ तो आप यहाँ पर ये समझ के रख लीजिए कि भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने स्पेस में ह्यूमन्स को भेजा हो। और दूसरी चीज़ तो यहाँ पर ये होगी कि अगर मिशन सक्सेसफुल हो गया तो अकॉर्डिंग टू इसरो साल 2040 तक इस चीज़ की गारंटी दी गई है कि इंडिया मून पर ह्यूमन्स को भी सक्सेसफुली भेज देगा और इंडिया स्पेस सेक्टर में अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश बन जाएगा जिसने चांद पर ह्यूमन्स को भेजा हो। पर अगर इसके अपोजिट हुआ यानी कि अगर ये मिशन फेल हो गया तो इसके इंपैक्ट जो पड़ने वाले उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। दोस्तों गगनयान मिशन फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि ये मिशन जो है वो बहुत खास मिशन है। इस मिशन के तहत इंडिया अपना सबसे पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन करने जा रहा है। आज़ादी के 75 साल बाद तक यानी कि आज की डेट तक में इंडिया ने ऐसा कोई भी मिशन आज तक कंडक्ट नहीं किया है जिसमें इंडिया की स्पेस एजेंसी से इंडियन एस्ट्रोनॉट को अर्थ के बाहर भी भेजा गया यानी कि स्पेस में भेजा गया। इसलिए देश में इन सभी चीज़ों को लेकर फिर से लोगों का ध्यान इस मिशन पर सेम टू सेम चंद्रयान 3 मिशन की तरह ही खींचा चला जा रहा है क्योंकि इसरो ने अभी बैक टू बैक सक्सेसफुली लॉन्चेस और सक्सेसफुली मिशन भी किए हैं। जैसे कि पहले अगर बात करें हम भारत ने लास्ट ईयर में ही चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया था जिसकी वजह से इंडिया स्पेस सेक्टर में सैकड़ों ऐसे देशों थे जिससे वो आगे निकल गया था। इनफैक्ट डेवलप्ड कंट्री को भी इंडिया ने पीछे छोड़कर चांद के वो ऐसे पार्ट में लैंड हुआ था जहां पर आज तक कोई भी लैंड नहीं कर पाया। उसके बाद फिर से इसरो ने आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया था और सोलर की रिसर्च के लिए और वो भी एकदम सक्सेसफुल लॉन्चिंग रहा, एकदम सक्सेसफुल मिशन रहा। और अब वापस से इसरो एक और बड़ा माइलस्टोन अचीव करने जा रहा है, इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन जिसमें 3 भारतीयों को स्पेस में भेजा जाएगा। ऐसा नहीं है कि स्पेस में आज तक एक भी इंडियन ने कदम ही ना रखा हो, इंडिया के अब तक टोटल 3 एस्ट्रोनॉट ऐसे हैं जो स्पेस में जाकर आए हुए जिसमें कल्पना चावला, राकेश शर्मा और सुनीता विलियमसन थी। बेसिकली तीनों एस्ट्रोनॉट का जो ओरिजिन था वो तो इंडिया ही था लेकिन इनमें से कल्पना चावला और सुनीता विलियमसन इंडिया की तरफ से नहीं गए थे, वो नासा की तरफ से गए थे और राकेश शर्मा जो थे वो इंडिया की तरफ से ही गए थे पर सोवियत यूनियन की मदद के वजह से। इसलिए अब ये गगनयान मिशन हमारे लिए यहाँ पर स्पेशल इसलिए बन जाता है क्योंकि इस बार ना तो इंडिया रसिया के स्पेस स्टेशन से मदद ले रहा है, ना वो नासा के स्पेस स्टेशन यानी कि यूएसए के स्पेस स्टेशन से मदद ले रहा है और ना ही वो इस बार दूसरे देशों के स्पेस स्टेशन से मदद ले रहा है। बल्कि जैसे हमारे पीएम मोदी ने भी कहा कि इस बार इंडिया का खुद का रॉकेट, खुद का काउंटडाउन और खुद के एस्ट्रोनॉट्स होंगे जो स्पेस में जाने वाले। लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा। तो आइए एक बार गगनयान मिशन को पूरी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि कब ये मिशन लॉन्च होने वाला है, इस मिशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है इस मिशन के, स्पेस में जाकर इंडिया ऐसे क्या क्या काम करने वाला है और तीसरा ये कि क्या गारंटी है कि जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में जा रहे हैं वो सक्सेसफुली इंडिया वापस रीलैंड भी कर पाएंगे कि नहीं। गगनयान मिशन इंडिया के लिए एक हिस्ट्रिकल इवेंट होने जा रहा है क्योंकि इस मिशन से इंडिया खुद के दम पर ह्यूमंस को स्पेस में भेजने वाला है। लेकिन इसके पीछे की जो जर्नी और गगनयान का जो आइडिया है वो आज से 14 साल पहले यानी कि साल 2006 को ही आ गया था। इसरो ने साल 2006 में ही गगनयान मिशन करने का मन बना लिया था और गगनयान की प्रिलिमिनरी स्टडीज और डेवलपमेंट के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था व्हीकल ऑर्बिटर। दरअसल उस साल यानी कि साल 2006 में प्लान बड़ा सिंपल था कि साइंटिस्ट एक ऐसा स्पेस कैप्सूल को तैयार करेंगे जो कि आसानी से स्पेस में एक हफ्ते तक सर्वाइव कर सके विद 2 एस्ट्रोनॉट्स और वापस से उसे स्पेस से धरती पर भी रिलैंड करवाया जा सके। सोचिए 14 साल से भी पुराना ये एक मिशन है जिसके पीछे अब तक कितने ज्यादा एफर्ट्स लगाए जा चुके हैं इसरो के द्वारा। साल 2007 में इसरो के भी इस ऑर्बिटर व्हीकल मिशन यानी कि जो गगनयान मिशन था उसे कमीशन कर दिया जाता है और एक साल तक लगातार इसरो के साइंटिस्ट ने जमकर एफर्ट डाले, जमकर इस मिशन पर काम करना शुरू किया और गगनयान का जो स्पेस कैप्सूल था उसे डिजाइन करके साल 2008 में सरकार के पास इस मिशन को फंडिंग देने के लिए अप्रोच कर दिया। पर उस साल सरकार के पास इतने ज्यादा पैसे ही नहीं थे कि वो इसरो के इस मिशन को फंडिंग दे पाए। साल 2012 तक तो इस मिशन के फंडिंग ना होने की वजह से ये मिशन का फ्यूचर पर एक सीरियस डाउट आ गया कि ये मिशन होने वाला भी है कि नहीं होने वाला है। पर फाइनली आने वाले जो साल था 2014 जब मोदी की सरकार आती है तब इस प्रोजेक्ट को इसरो की प्रायोरिटी लिस्ट में रख दिया जाता है और साल 2017 तक आते आते ये इसरो का एक मेन प्रोजेक्ट भी बन जाता है जिस पर जोरों शोरों से काम करना शुरू हो जाता है बिना किसी फंडिंग प्रॉब्लम के। और फाइनली साल 2018 आ जाता है, नरेंद्र मोदी के द्वारा फॉर्मली रूप से इंडिया के इंडिपेंडेंस डे के दिन में ही फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के प्रोग्राम यानी कि गगनयान मिशन को अनाउंस कर दिया जाता है। गगनयान लेकर के चलेंगे,
और ये गगनयान जब अंतरिक्ष में जाएगा। आने वाले साल 2021 से 2023 तक इसरो ने पूरी तरीके से मिशन को ऐसे डिजाइन किया और इतने सारे एक्सपेरिमेंट और टेस्ट किए कि गगनयान में बैठे सभी एस्ट्रोनॉट को धरती पर वापस रिलैंड भी आसानी से कराया जाए। अब एस्ट्रोनॉट की बात हमने कर ही ली है तो ये भी जान लेते हैं कि कौन कौन से वो एस्ट्रोनॉट है जो अगले साल इंडिया के फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो फिलहाल में तो हमारे पीएम मोदी ने 4 एस्ट्रोनॉट्स के नामों को अनाउंस किया है जो कि इसरो की तरफ से यानी कि इंडिया की तरफ से स्पेस में जाने वाले, जिसमें ग्रुप कैप्टन बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अमित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर सुधांशु शुक्ला जो है वो इस मिशन में जाने वाले। वैसे तो इसमें से 4 में से 3 ही एस्ट्रोनॉट जाएंगे, पर अभी तक यहाँ पर इस चीज को डिसाइड नहीं किया जा सका है कि वो कौन से 3 एस्ट्रोनॉट होंगे जो जाने वाले। साथ ही अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज हमें देखने को मिल रही है, एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट भी हमें देखने को मिल रही है, वो ये है कि यहाँ पर आपको इंडिया का खुद का अपना स्पेस यूनिफॉर्म देखने को मिलेगा। ये इंडिया के हर एक व्यक्ति के लिए एक प्राइड की बात है क्योंकि अब तक हमने और आपने अमेरिका, चाइना, रशिया इन सभी के स्पेस यूनिफॉर्म को देखा होगा। इंडिया का कोई भी इस ऑफिशियल स्पेस यूनिफॉर्म अभी तक नहीं था, लेकिन आज की डेट में हमने इंडिया का स्पेस यूनिफॉर्म भी देखने को मिल गया। इस यूनिफॉर्म को डिजाइन किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के द्वारा, और इसे सिर्फ ऐसे ही डिजाइन नहीं कर दिया कि क्रिकेट की जर्सी के तरह ऐसा ब्लू कलर उठाया और इसे डिजाइन कर, बल्कि NIFT ने इस यूनिफॉर्म को स्पेस के अकॉर्डिंग 17 पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखकर इसे डिजाइन किया। साथ ही यहाँ पर SpaceX की जो यूनिफॉर्म है और जो NASA की यूनिफॉर्म है उसे भी डिटेल स्टडी किया गया है, तब जाके इंडियन स्पेस यूनिफॉर्म को यहाँ पे डिजाइन किया। ऐसे में अगर टोटल कॉस्ट की बात की जाए तो गगनयान मिशन का यहाँ पे सारी चीजों को मिलाकर खर्चा कितना होने वाला है तो वो लगभग 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा बताया जा रहा है। लेकिन ये कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं, अगर हम वर्ल्ड के दूसरे देशों के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम को इससे कंपेयर करेंगे तो अब क्योंकि अमेरिका का जो फर्स्ट ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम था वो 1958 में ही हो गया था, जिसका नाम था प्रोजेक्ट मरकरी, और उस पर $227 मिलियन यानी कि 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रुपए खर्चा किए गए थे। तो प्रोजेक्ट मरकरी के कंपेयर में अगर आप देखोगे तो गगनयान तो उसके आधे से ज्यादा कॉस्ट में भी नहीं हो रहा है। और इंडिया की स्पेशलिटी तो हम सभी जानते हैं कि हॉलीवुड की स्पेस रिलेटेड मूवी इंटरस्टेलर की बजट से भी आधे से कम दाम पर इंडिया चांद के ऐसे भाग पर पहुंच गया जहां तक आज तक कोई भी जा नहीं पाया। सस्ते और कम बजट में फर्स्ट सोलर मिशन भी सक्सेसफुल रहा, और जिस तरीके से सक्सेस रेट और एफर्ट्स बताए जा रहे हैं इसरो के द्वारा, उस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया का बजट भले ही कम हो लेकिन दूसरे देशों के मिशन से ज्यादा ही सक्सेस रेट रहती। अभी जो मैंने कहा कि मिशन सक्सेसफुल होने के चांस यहाँ पर दूसरे देशों से ज्यादा ही रहते हैं, तो इसके पीछे भी कई रीजन है। क्योंकि अमेरिका का अपोलो मिशन जो था, जब कल्पना चावला के साथ में एक स्पेस एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कल्पना चावला नासा की एक छोटी सी फेलियर की वजह से उनकी जान चली जाती है, क्योंकि उसमें इमरजेंसी एग्जिट काम ही नहीं कर रहा था। अगर उस समय पर इमरजेंसी एग्जिट को प्रॉपर तरीके से बनाया गया होता, टेस्ट किया गया होता उसे, तो यह हादसा कभी ना होता। पर नासा की इन्हीं सभी गलतियों को दोहराया ना जा सके और ऐसा कोई हादसा वापस भारत के एस्ट्रोनॉट के साथ ना हो और इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन मिशन इस तरीके से फेल ना हो, इसलिए इसरो ने इस बार सारे सेफ्टी मेजर्स को, नासा के मिस्टेक को, फेलियर को, सभी चीजों को ध्यान में रखकर इस बार इस मिशन को डिजाइन किया। इनफैक्ट इसरो अपने फर्स्ट ह्यूमन मिशन को लेकर इतना ज्यादा केयरफुल है कि इंडिया के नाम पर फर्स्ट ह्यूमन मिशन फेल होने पर और एक्सीडेंट होने का टैग ना लग जाए, इसलिए इससे पहले रोबोट्स को स्पेस में भेजा जाएगा और इस पूरे मिशन पर नजर रखेगा कि यहां पर और कोई नई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ताकि इस प्रॉब्लम को 2025 आते आते रिसॉल्व किया जा सके। आप सोच सकते हैं कि यहां पर इसरो कितना ज्यादा एफर्ट्स लगा रहा है और एकदम केयरफुली तरीके से इस इंडिया के फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन को लॉन्च करने वाला है, और इसी वजह से इसमें 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है जो कि जायज भी है। लेकिन दोस्तों यहां पर जैसे कि मैंने बताया कि इसरो यहां पर कितनी केयरफुल तरीके से मिशन कर रहा है, तो अब यहां पर अगर इतनी केयरफुल तरीके से मिशन कर रहा है तो पक्का कोई ना कोई तो बड़ा ऑब्जेक्टिव इस मिशन का होगा, यानी कि किसी ना किसी बड़े गोल के साथ ही इंडिया के ह्यूमन को स्पेस में भेजा जा रहा है। यह मिशन भारत के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन इसलिए है क्योंकि यह भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन तो है ही। अगर यह मिशन कंप्लीटली सक्सेसफुल हो जाता है तो पहली चीज तो यहां पर यह होने वाली है कि भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने स्पेस में ह्यूमन को भेजा हो, और दूसरी चीज तो यहां पर यह होगी कि अगर मिशन सक्सेसफुल हो गया तो अकॉर्डिंग टू इसरो साल 2024 तक गारंटी है इस चीज की कि इंडिया मून पर ह्यूमन को भी सक्सेसफुली भेज देगा, और इंडिया स्पेस सेक्टर में अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश बन जाएगा जिसने चांद पर ह्यूमन को भेजा हो। साथ ही गगनयान मिशन के तहत जो 3 एस्ट्रोनॉट हमें भेजे जा रहे हैं अर्थ के ऑर्बिट पर, वो 400 किलोमीटर के जो अर्थ के ऑर्बिट की रेंज है वहां पर उन्हें भेजा जाएगा, और वो 3 दिन तक अर्थ के ऑर्बिट के बाहर चक्कर लगाएंगे, फिर बाद में उन्हें फिर से इंडियन ओशन में रिलैंड करवा दिया जाएगा। तो ये करने का यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव ये है, उनको अर्थ के बाहर यहाँ पर इसलिए रखा जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि अर्थ के बाहर स्पेस में ह्यूमन्स को रहने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ताकि आने वाले साल में भारत खुद का वहां पर इंडियन स्पेस स्टेशन भी लॉन्च करेगा जो कि इंडिया को स्पेस सेक्टर में काफी बड़ी मदद भी करेगा।
जाएगा। दोस्तों आपका इस चीज़ पर क्या कहना है कि क्या इंडिया स्पेस सेक्टर में लगातार तेजी से ऐसे ही बढ़ता रहेगा या फिर अभी डेवलपमेंट बाकी है? आपकी क्या राय है कमेंट में सबके साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए।